एक लड़की थी और उसकी बस एक गलती थी कि वो मोटी थी। ये उसे नहीं लगता था मगर दुनिया ने उसे महसूस कराया था। स्कूल, फैमिली फंक्शंस, रिलेटिव्स के घर, हर जगह लोग उससे अतरंगी बातें कहते थे, तुम कभी इस बाइक पे मत बैठना, तुम बैठोगी तो व्हीली हो जाएगी, कितने पेट है तुम्हारे, 1, 2, 3, ऑफकोर्स 3rd इंक्लूडेड बूब्स। एक दिन वो एक फंक्शन में गई थी और चुपचाप कोने में बैठी थी। तभी एक आंटी उसके पास आई और बोली, अरे बेटा कितनी मोटी हो गई हो, चलो सही है, कोई तो है मेरी बेटी को कंपटीशन देने वाला। उनकी बेटी को थायराइड था। बैक देन वो लड़की खुद से कपड़े नहीं खरीदती थी, जो उसकी मॉम लाती वो पहन लेती थी। एक दिन एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसने खुद को मिरर में देखा, एक टॉप पहना था उसने और टायर साफ साफ दिख रहे थे। जब भी वो खुद को ऐसे देखती थी ना, उसके दिमाग में वो सारे कमेंट्स चलने लगते थे। उसने वो टॉप उतारा, नाइट सूट पहना और मॉम को बोला कि आप लोग जाओ पार्टी में, मैं नहीं जाऊंगा, और बिना कुछ कहे चुपचाप सोने चली गई। वो लड़की अपनी बॉडी को लेकर इतनी कॉशियस हो गई कि उसने पार्टीज में जाना छोड़ दिया, रेडी होना छोड़ दिया, यहां तक कि लड़कों से बात करना भी छोड़ दिया, बिकॉज शी ऑलवेज फेल्ट जज्ड, अनवांटेड एंड नॉट प्रिटी। स्टेज बहुत पसंद था उसे, मगर इतनी सारी आंखें उसके टैलेंट से ज्यादा उसकी बॉडी को कंज्यूम करेंगी, इस बात का डर बैठ गया था उसके मन में। कुर्ते पहनने लगी थी, हैशटैग ट्रेडिशनल लव, हैशटैग एथनिक लव, ये करने के लिए नहीं, बल्कि किसी ने उसको बोला था कि इंडियन पहना कर, मोटी कम लगती है। जब भी कोई उस पर कॉमेंट पास करता था ना, वो घर आकर अकेले रोती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उसे पता चला दैट शी सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इस बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं अलग अलग बॉडी पे। उसका था एक्सेसिव वेट गेन। डॉक्टर ने उसे बोला, चाहे कुछ हो जाए, यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी वेट, वरना वो बीमारी थोड़ी सीरियस हो सकती थी। मोर देन दैट, डॉक्टर उसे जिंदगी में कुछ लोगों को जवाब देना था, कुछ कमेंट्स को जवाब देना था, उन जजमेंटल आंखों को जवाब देना था। दिस वॉज 2011। उसने बाहर का खाना, मीठा, फ्राइड ब्रेड्स, इन शॉर्ट अपना सारा यमी खाना छोड़ दिया था और रेगुलर वर्कआउट करने लगी थी। 2 साल के बाद साइज 0 तो नहीं, मगर एक ऐसे साइज में आ गई थी वेयर शी वॉज कॉन्फिडेंट टू स्टैंड इन द क्राउड। उसे लगा वो जीत गई, लेकिन नहीं। 13 साल बाद भी, यानी आज भी, अगर वो किसी लड़के के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होती है तो अपनी बॉडी को लेके बहुत इनसिक्योर होती है, खुद ही की बॉडी को जज करती है और डरती है कि कहीं कोई लड़का बचपन की ही तरह उसके बॉडी पे कॉमेंट ना करते। सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो पतली तो हो गई है, मगर उसकी बॉडी पे वो सारे स्ट्रेच मार्क्स आज भी उसको उन कमेंट्स की याद दिलाते हैं। उसने खुद की बॉडी को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन आज भी दूसरे क्या कहेंगे उसकी बॉडी के लिए, ये उसको कहीं ना कहीं बॉदर करता है। बाय द वे, सुना है कि वो लड़की फिर से स्टेज पर जाने लगी है, अब तो कैमरा भी फेस करती है और आज आपके सामने खड़े होके कहानी भी सुना रही है। लेकिन मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब मेरे सामने से बाइक गुजरेगी, लेकिन मेरे दिमाग में यह नहीं आएगा कि हर्षिता उस बाइक पे मत बैठना वरना व्हीली हो जाएगी। शायद उस दिन मैं जीत जाऊंगी और वो सारे लोग हार जाएंगे जिन्होंने मुझे यह महसूस कराया है कि मैं किसी से कम हूं। और अगली बार अगर आप किसी के बॉडी पे कॉमेंट करना ना, तो इस स्टोरी को याद कर लेना और हो सके तो रुक जाना।